अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। इसमें दो चीज़ें सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। जितने भी स्टेप्स हमने बायोलॉजिकल मेथड में देखे थे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंस क्वालिटेटिव आर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसे क्या क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में बच्चों हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। आइदर साइंस आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या करते हैं, नॉलेज ऑब्टेन करते हैं। ऐसी नॉलेज को क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या होती है, डेटा रिफर टू ऑब्जर्व यूजिंग फाइव सेंस। अगर कोई साइंटिस्ट फाइव सेंस यूज करके, हर नॉर्मल इंसान के पास फाइव सेंस होते हैं, सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल। तो ये फाइव सेंस यूज करके या चीज़ों को देख के या सुन के या उनको टेस्ट करके जबान से या उनको टच करके या स्मेल करके, उनमें जो स्मेल आ रही है उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी मालूम कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। देन दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों ये क्या होता है, डेटा रिफर टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशन यूजिंग टूल्स, साइंटिफिक टूल्स यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाई करते हैं चीजों को। इसमें बच्चों क्या, थर्मोमीटर, स्केल, रूलर या मेजरिंग टेप्स यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ये क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी मालूम करते हैं उन चीजों की। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक प्रॉब्लम मिला के चलेंगे मलेरिया का, कि भाई मलेरिया जो है क्या है, कैसी डिजीज था पहले, इसका क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पे आए, मलेरिया जो लैटिन टर्म से लिया गया है, माला का मतलब होता है बेड एंड एरिया का मतलब होता है एयर। तो पहले ये बिलीव किया जाता था कि मलेरिया की डिजीज बेड एयर से होती है, खराब हवा से मलेरिया की डिजीज होती है, पोल्यूटेड एयर से होती है, और ये अनाउन थी। बट अभी हमें पता है कि ये जो मलेरियल डिजीज होती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से होती है, सबको पता है, ठीक है। तो जब पहले इसका क्या ऑब्जर्वेशन किया गया था, तो ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ था इसका, इन 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवरन। लेवरन ने क्या किया, स्टडीड ब्लड सैंपल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में ब्लड सैंपल, जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड सैंपल लिए, माइक्रोस्कोप पे क्या किया, ऑब्जर्व किया, और इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ए टाइनी क्रिएचर्स जिसे नाम दिया क्या, प्लाज्मोडियम। इन्होंने ऑब्जर्वेशन की, जस्ट एक प्रॉब्लम की, देन ऑब्जर्वेशन हो गई कि भाई अंदाजा एक तुक्का लगाया कि भाई मलेरिया का काज जो प्लाज्मोडियम हो सकता है। देन हाइपोथेसिस दिया, तुक्का हाइपोथेसिस जो हम बता रहे हैं अभी आपको कि भाई मलेरिया का काज क्या हो सकता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है, तब उन्होंने ये कहा। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है हाइपोथेसिस की, द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है, इंटेलिजेंट गेस होता है, साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मलेरिया का काज जैसे हो सकता है, विथ हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम हो सकता है। और ये बच्चों हाइपोथेसिस जो होता है टेस्टेबल होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन के अंडर इसको फर्दर टेस्टिफाई करते हैं। आइधर ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा तो आगे जाएगा, या फॉल्सिफाइड भी हो सकता है, मतलब गलत भी साबित हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये जो अब हमारा हाइपोथेसिस हमेशा साइंटिस्ट का सही हो, ये गलत भी हो सकता है। होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। फर्दर वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।